तो आज के लेसन में हम सीखेंगे हम कोई भी गाने का लीड पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, जो मेलोडी पार्ट होता है वो कैसे हम निकाले खुद से सुन के। इसका रिक्वेस्ट मुझे काफी दिनों से आ रहा था एंड मैंने भी आपको बोला था मैं इसको बना के दूंगा लेसन, तो फाइनली आज करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा म्यूजिक रिलेटेड जो आपको शायद पता ना हो। कैसे गाना बनता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना, उसके बाद आप उसका मेलोडी आराम से निकाल सकते हो। आपको स्केल सीखना पड़ेगा जिसके लिए मैंने अलग से लेसन बनाया हुआ है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कहाँ से सीखना है। तो कंप्लीट लेसन करेंगे, जरूर देखिए, आपका डेवलपमेंट काफी होगा ये लेसन के बाद, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अगर ये लेसन आपको हेल्प करा जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं अपने हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए आज के लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी गाना कैसे बनता है। आपने काफी सारे गाने अभी बजाए हुए, गिटार पे सीखे हुए आपने, पर आपको शायद आइडिया ना हो कि गाना कैसे बनता है। एक्चुअली आप कोई भी गाना सुनते हो वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक रहता है मेजर स्केल पे नहीं तो माइनर स्केल, जिसको हम की भी बोलते हैं, मेजर की नहीं तो माइनर की। मैक्सिमम गाना वही रहता है, एक ही सिंगल की पे चलता है, आइदर मेजर नहीं तो माइनर। तो आज के लेसन में हम दोनों एग्जाम्पल देखेंगे, एक माइनर की पे देखेंगे जो कि आपका चन्ना मेरे या, एंड एक मेजर की पे देखेंगे बारिश, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का गाना। उसको मैं आपको हल्का सा बताऊंगा कैसे आप सुन के स्केल के साथ उसके टैग्स निकाल सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप रैंडम वे में इसको सीखोगे आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अगर आप एक पर्टिकुलर वे में सीखोगे जैसे मैं आपको बताऊंगा स्केल को लेके, आप इसको आराम से निकाल सकते हो, एक्चुअली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक ही दिन में पूरा निकाल लोगे, पर आपको एक वे मिल जाएगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए अभी आगे और जानते हैं कि गाना कैसे आपका फॉर्मेशन होता है। तो ये लेसन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा थोड़ा डिटेल में, ताकि आप आराम से फ्यूचर में अप्लाई कर सको इसको कोई भी गाने पे। तो आपका जो गाना होता है, कोई भी गाना होता है, उसमें बेसिकली हम उसको चार लेयर्स में डिवाइड करेंगे। पहला लेयर रहेगा आपका रिदम गाने का, ठीक है, जो कि उसका टाइम सिग्नेचर रहता है, जैसे 3/4, 4/4। इसके ऊपर मैंने अलग से लेसन बनाया हुआ है, हाउ टू फिगर आउट रिदम ऑफ एनी सॉन्ग, वो आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो हो गया पहला लेयर आपका गाने का रिदम, जो कि अभी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आएगा वो है गाने का मेलोडी लाइन, जो कि अभी हमको निकालना है, ठीक है। मेलोडी मतलब आपका जो मेन जो गाने का जो चलता है मेलोडी, वो इसको हम मेलोडी बोलते, जैसे आपका बातें ये कभी ना हो गया ना 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 ना, तो ये उसका मेलोडी लाइन हो गया, ठीक है। देन आएगा उसके ऊपर लिरिक्स, आप लिरिक्स कोई भी बिठा सकते हो मेलोडी लाइन के ऊपर, जो गाना बनाते हैं मेलोडी बन जाता है उसका लिरिक्स उसके ऊपर वो बिठाते हैं। उसका रहता है आपका रिदम, नहीं तो आप जो बोल सकते हो उसका इंस्ट्रूमेंटल पार्ट, जो कॉर्ड्स बजता है, जो कि लीड बजता है, जो कि अभी जरूरत नहीं है। तो ये चार लेयर्स हो गया आपके, टाइम सिग्नेचर, रिदम, मेलोडी, लिरिक्स एंड उसका इंस्ट्रूमेंटल, जो भी कॉर्ड्स की जो भी इंस्ट्रूमेंट बजता है। तो इन्हीं चार लेयर्स में से हमको एक लेयर फिल्टर करना है जो कि मेलोडी, ठीक है। एंड आपका जो ईयर है एंड आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो काम करता है फिल्टर जैसा, ताकि आपका ये जो मेलोडी है वो अलग से निकल जाए एंड आप उसको आराम से किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे प्ले कर सकते हो, आइदर गिटार नहीं तो पियानो, कहीं पे भी आप इसको प्ले कर सकते हो। एंड जो मेलोडी रहता है उसका एक पर्टिकुलर स्केल रहता है जो आप आगे सीखेंगे, एंड उन्हीं नोट्स में से आपका मेलोडी बनता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा मैं अभी किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, एक माइनर की का गाना लेंगे चन्ना मेरेया, जो कि ए माइनर की पे है, ए माइनर स्केल पे। एंड आपको कैसे पता चलेगा गाना कौन से स्केल पे कौन से की पे, उसके लिए मैंने अलग से लेसन बनाया हुआ है, हाउ टू फिगर आउट कॉर्ड्स ऑफ एंड कॉर्ड्स एंड की ऑफ एनी सॉन्ग, वो भी जरूर देखिए, मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये सब चीजें आप एक वीडियो से नहीं सीख सकते, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, अलग अलग आपको रिसर्च करना पड़ता है, एंड उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कॉर्ड के ऊपर, रिदम के ऊपर, आप जरूर देखिए वो सब, उसका जिसको आपको फॉलो करने के लिए काफी इजी हो जाएगा। स्केल के ऊपर भी मैंने बनाया हुआ है। तो चन्ना मेरा है वो है आपका ए माइनर पे, एंड मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ, जो गाने का पहला कॉर्ड लगता है वो मैक्सिमम टाइम 95% टाइम वही उसका की रहता है, जैसे चन्ना मेरा आपका ओरिजिनल है ए माइनर में स्टार्ट हुआ, तो आप उसको उसका की एज्यूम कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, पर वो 95% ऑफ टाइम्स वैसा ही रहता है। अभी ज्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं, हम बेसिक कर रहे हैं। तो ए माइनर हो गया, मतलब अभी आपको क्या करना है, ए माइनर के नोट्स निकालने हैं माइनर स्केल के, उसके ऊपर मैंने लेसन बनाया हुआ है, आप जरूर देखिए उसको, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मेजर माइनर स्केल्स होता है
वो मदर ऑफ ऑल स्केल्स उसको बोलते हैं, क्योंकि उनके बिना आप कोई भी दूसरा स्केल्स नहीं सीख पाओगे। मेजर स्केल सीख लो, उसके साथ माइनर भी सीख लो। उसका ट्रिक है, मैंने उसको समझाया हुआ है, आप जरूर देखिए वो लेसन, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा आपके जर्नी में, म्यूजिकल जर्नी में। आप कुछ भी सीखो वो आपको जरूर हेल्प करेगा स्केल्स। तो आज के लेसन में हम लोग ए माइनर पे गाना निकालेंगे, चन्ना मेरेया। पर उससे पहले हम देखते हैं ए माइनर स्केल कैसे डिराइव करते हैं, मैं हल्का सा इसे आइडिया देता हूँ। तो आपका जो माइनर स्केल का फॉर्मूला है वो है होल हाफ होल होल हाफ होल होल। होल मतलब एक कंप्लीट नोट, मतलब अब फ्रेट्स कंसिडर करो, अगर आप फर्स्ट फ्रेट से थर्ड फ्रेट को जा रहे हो उसको हम होल फ्रेट बोलते हैं, सॉरी होल नोट बोलेंगे। फर्स्ट से सेकंड पे जाओ तो उसको हाफ नोट बोलेंगे। तो ए में जो है मैंने इसके ऊपर लेसन बनाया है, उसमें सारे पोजिशन सबको बताए हुए हैं। ए माइनर स्केल बनेगा आपका यहाँ पे, जो ए माइनर के नोट्स बनते हैं जो फॉर्मूला डाल के होल हाफ होल होल हाफ होल होल, वो बनेगा आपका पहला ए लिख देंगे, देन वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला नोट बन गया ए, बी सी डी ई एफ जी बैक टू ए, देन फिर से इसके नीचे जाएंगे तो उसका एक हायर ऑक्टेव बजेगा, फिर से ए बी सी डी ठीक है। तो ये पोजीशन का मैं स्क्रीन पे दे दूंगा टैग्स, ये इसी पोजीशन पे हम लोग अभी चन्ना मेरेया का पूरा गाना निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है? वो कैसे होगा अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका पहला पोजीशन हो गया ए माइनर स्केल का, ठीक है। तो अभी चलिए एक ग्राफ देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए हम इसका मेलोडी को कैसे मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको आपके मैथ्स के क्लास याद आ जाएंगे अभी थोड़े, ठीक है। पर टेंशन मतलब काफी इजी है। हम लोग क्या करेंगे, अभी ए माइनर के नोट्स निकाल लिए, जो यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हो मैंने लिख के रखा हुआ है, तो होल नोट हाफ नोट है। तो उसके जो नोट्स निकले ए बी सी डी ई एफ जी ए, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वो बन गया आपका सा रे गा मा पा धा नी सा, जो कि आपका म्यूजिकल में उसको जो हम लोग उसका सुर बोलते हैं, ठीक है, सरगम जो बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। एंड ऊपर लिखेंगे इसका जो वाई एक्सिस में म्यूजिक के सारे नोट्स, ए बी फ्लैट बी सी सी शार्प डी डी शार्प, ठीक है, पूरा 12 नोट्स तक लिखेंगे। एंड आप इसको जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो सा आपका बन गया ए, ठीक है, जो रे बनता है वो बन गया आपका बी, गा बन गया सी, मा बन गया डी, पा बन गया ई, धा एफ, नी बन गया जी, फिर से सा जो रिपीट आता है ऑक्टेव हाई होके वो वापस बन जाता है आपका ए। तो ये जो ग्राफ जा रहा है यहाँ पे वो हाई होके जा रहा है। एंड इसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके ऊपर फिर से आप लिखोगे तो वो नेक्स्ट ऑक्टेव पे चला जाता है। तो ये टोटल बनता है आपका एक ऑक्टेव, ठीक है। इसके ऊपर फिर से जाओगे तो आप उसका नेक्स्ट ऑक्टेव बनेगा, जैसे मैंने आपको गिटार पे सिखाया। इसके नीचे आओगे तो उसका लोअर ऑक्टेव, ये ऑक्टेव, देन इसका हायर ऑक्टेव। तो जो गाना होता है इन्हीं नोट्स पे बनता है आपका, जो आपका सुर बनता है, जो सरगम बनता है, इन्हीं नोट्स पे बनता है। ये एक सीधा चला गया, अभी आप कोई गाने पे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो वो थोड़ा आपका ऊपर नीचे होगा, जो अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा, ठीक है। आप इसको समझ लो, एक कहीं पे बना कर लिख कर रख लो ताकि आपको काफ़ी अच्छा में समझ में आ जाए। एक्चुअली ये प्रोसेस मैंने खुद निकाला, ये कोई है नहीं ग्राफ में बताने जैसा, पर मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं ताकि आप इसको थोड़ा आराम से समझ पाओ गाना कैसे बनता है, जो मेलोडी होता है वो कैसे बनता है। तो चलिए इसका एक नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से गिटार की ओर चलेंगे। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो है चन्ना मेरेया का वोकल मेलोडी का ग्राफ, जो कि आगे आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको बता दूंगा कैसा चलता है, कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका स्केल, क्योंकि वो ए माइनर स्केल पे नीचे लिखा हुआ है उसका मेलोडी लाइन, जो कि सरगम है, जैसे गा मा पा 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 मा गा, जैसे आपने सुना होगा मागा पा सारे गा, वो सब क्या होता है आपका जो सरगम रहता है जिससे आपका वोकल मेलोडी बनता है, जो कि आपने इंडियन क्लासिकल में सुना होगा रागस बोलते हैं जिसको, ठीक है, उन्हीं पे आपका गाना बनता है। एंड उन्हीं नोट्स को हम स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। आपने रागस के बारे में सुना हो, जिसको रागास भी बोलते हैं, ठीक है, उसको रागस बोल सकते हो, रागास कुछ भी बोल सकते हो। तो इन्हीं पे आपका मेन गाना बनता है, तो उन्हीं से आपका रागस बनता है, उन्हीं रागस को अप्लाई करके गाना बनता है, एंड वो गाने के नोट्स स्केल से ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो देखते हो कि ग्राफ कैसे आपका ऊपर जा रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, तो आपने सुना होगा वोकल में एक टाइम आपको हाई जाना है, फिर से लो आना है, फिर से हाई जाना है। यही ग्राफ आपको हेल्प करेगा समझने में, जो कि मैं आपको आगे फिर से दिखाऊंगा। अब अभी थोड़ा देख लो कैसा ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर गया, यहाँ पे मेरे जिक्र का जो वहाँ पे स्वाद रखना, ऊपर गया, कॉन्स्टेंट रहा, नीचे आके वो नेक्स्ट लोअर ऑक्टेव पे गया, फिर से ऊपर आया।
तो जो वोकल में वेरिएशन होता है ऊपर नीचे यही ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल देखते हैं हमको ये नोट्स कैसे फाइंड करने हैं वोकल मेलोडी के। तो चलिए अभी गिटार को चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उसका जो स्केल था ए बी सी डी एफ जी, जिसको हम लोग सारे गामा पा धा नि सा बोलेंगे, जिसको सरगम भी बोलते हैं, रागास जो भी है। तो जो आपका बना सारे गामा पा धा नि सा, सारे गामा पा धा नि सा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे उसके हायर ऑक्टेव पे उसका मेलोडी निकालने के लिए, जो कि आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। तो इन्हीं नोट्स पे देखना आपका 90% गाना निकल जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका स्केल पे जो बनता है गाना इन्हीं नोट्स पे बनता है। एंड आपको जो फाइंड करना है वो है उसका पहला नोट। तो चलना मेरा का पहला पार्ट कैसा है, अच्छा चलता हूँ, तो उन्हीं नोट्स को आपको फाइंड करना है, ना 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 ना। एंड आपको जो पहला नोट फाइंड करना है आपको जस्ट वो स्केल को एक बार प्ले करना है। सोचिए हम लोग स्केल को प्ले करेंगे, ठीक है, जो वोकलिस्ट है वो थोड़ा सुर में कर सकते हैं, मैं थोड़ा बेसुरा हो रहा हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना नहीं आता, पर आपका ईयर को ट्रेन करना है, आपको गाना सुनना है, आप एक हेडफोन में गाना सुनो उसके साथ वो फर्स्ट नोट को आपको मैच करना है। तो ट्राई करते एक बार, तो ये आपको मैच कर रहा है, तो ये नोट्स आपके क्या बन गए यहाँ पे जो आपने बजाया स्टार्टिंग में, अच्छा चलता हूँ, जो कि सरगम में बनेगा गामा पा पा पा। जो वोकलिस्ट है वो लोग ऐसे ही सीखते हैं उसको, जो सरगम होता है, जो रागास होता है, उसी में उन्हीं में से आपका गाना बनता है। पहला लाइन बन गया गामा पा पा पा, तो आपको रैंडमली ढूंढना नहीं पड़ा, आपने स्केल में प्ले किया तो आपको यहाँ पे मिल गया, आपने थोड़ा मैच किया जो उसके मेलोडी के साथ, उसको माइंड में रखा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लाइन भी आपको स्टार्ट करेंगे, दुआओं में याद रखना ना 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 ना, तो कैसा जाएगा आपका? ठीक है, कैसा गया आपका? तो ये आपका ऑफ नोट का मैच नहीं करेगा बिल्कुल, तो आपको स्केल में लेना है उसको। तो ये आपका क्या नोट्स बन गए यहाँ पे, जो आपका रागा में गया, जो आपका सरगम में गया, वो गया आपका पा मा गा रे गा सा सा, ठीक है। तो उन्हीं नोट से बना, यहाँ पे मैंने एक ऑफ नोट आपको सुनाया जो कि मैच नहीं किया क्योंकि वो स्केल में नहीं है ये नोट आपका, ठीक है, जो डी शार्प नोट है, सॉरी यहाँ पे डी शार्प, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते क्या हो गया फिर से आपका, तो हमने यहां से स्टार्ट किया ठीक है, काफी इजी था, तो आपको आराम से इसका दो लाइंस मिल गए। अब ऐसे ही करके उसके कोई भी गाने के कोई भी लाइंस आप कहीं से भी निकाल सकते हो, बस आपको अगर स्केल का नॉलेज हो, क्योंकि आपको 7 नोट्स मिल जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ ढूंढना नहीं है, उन्हीं 7 नोट्स में से आपको ऑक्टेव थोड़ा हाई लो करके आपको मैच करना है, आपको जज करना है कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे कौन सा नोट लग रहा है। तो मैंने फिल्टर किया अपने ईयर से, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ सही भी हो सकता हूँ, पर मुझे ये ठीक लग रहा है जो मैंने अभी आपको सुनाया। तो इसका जो नेक्स्ट लाइन है, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना न, तो ये लाइन बन गया आपका, उसी स्केल में बजा, उसी पोजीशन में, मेरे जिक्र ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, मुझे कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा, वहीं पे मैं हिट एंड ट्रायल थोड़ा करके मेरे को ये ठीक लगा, मेरे जिक्र का, ये बन गया आपका ए बी सी 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 सी, दैट इज आपका सारे गा 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 गा, देन सी बी ए जी जी, तो ये बन गया आपका जी बी ए जी, जो सरगम बना गा रे सा नी, तो ये जो नी है वो उसका लोअर ऑक्टेव में है, ठीक है। तो आपको वही में बताया जो ऑक्टेव का, आपको लोअर हायर सभी कंबाइन करके इसी पोजीशन में आपको गाना मिल जाएगा। तो इसको एक फ्लो में सुन लेते कैसा सुनाई दे रहा है आपका। तो स्टार्टिंग से लेके यहां तक हमने जो स्केल में निकाला इसी पोजीशन में,
तो क्या बना गाना आपका? थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून लग रहा है। ठीक है उसका देखते हैं अभी। तो अभी देखते हैं स्टार्टिंग से इसका मेलोडी कैसे बना, उसी स्केल पे हम प्ले कर रहे, उसी पोजीशन में, कहीं पे कुछ चेंज नहीं कर रहे। काफी इजी है, इसका सेकंड लाइन में पूरा सेम है, देखते हैं वो कैसा जा रहा है। उसका ना इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो मेजर की में गाना करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे ख्वाब रखना, दिल के संदूकों में, एक नोट थोड़ा हाई की ओर जा रहा है। मतलब पहले हमने क्या था, तो इसके बाद एक नोट हाई लग रहा है, दिल के संदूकों, बस ये नोट। तो ये आपका ऑफ नोट है, वो नहीं जाएगा, तो जो कि आपका है जी नोट यहाँ पे। तो ये क्या बन गया आपका सी डी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वहां पे आप स्लाइड भी कर सकते हो। तो ये सब स्लाइड हैमर ऑन पुल अप, वो आप इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो थोड़ा उसको अच्छा सुनाई देने के लिए। जो स्टार्टिंग आपका था, ये नोट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जी यहाँ पे था, तो उसको हम लोग स्लाइड किए। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका पूरा सेम है, ठीक है। तो मैं बता नहीं रहा हूं, तो ऐसे ही करके आप उसको सुन के, टाइम लगेगा, आपका गलती होगा, नोट्स गलत लगेंगे, कभी कभी आपको लगे नहीं ठीक नहीं बज रहा है, पर उन्हीं 7 नोट्स में से आपको हिट एंड ट्रायल करना है, अपने ईयर को स्ट्रॉन्ग करना है, फिल्टर करना है, जैसे मैं बता, लेयर को, ये मेलोडी लाइन को आपको फिल्टर करके निकालना है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी नहीं हो रहा है, 2-3 महीना प्रैक्टिस करो, देखना आपका और भी रिफाइंड होकर निकला होगा मेलोडी, जो कि काफ़ी ओरिजिनल लग रहा होगा। मेरा भी गलती होता है, मेरा भी ईयर, मतलब मैं बोल रही हूँ, सब आता है मुझे, मैं भी ट्राई करता हूँ, ट्राई कर करके मेरा डेवलप हुआ है, तो आप भी ट्राई करना। तो ऐसा ही करके हम चलना मेरा का कंप्लीट गाना निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्टेव थोड़ा हाई कर सकते हैं। तो स्केल का लेसन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सीरियसली सीखना है कैसे आप मेलोडी निकाल सकते हो। बस ईयर को ट्रेन करके एक एक नोट बजा के उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपको वो करना। आप स्केल सीख लो, उसके बाद उसी पोजिशन में आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये बन गया चन्ना मेरे का, इतना ही करते आगे नहीं करेंगे, आप खुद से निकालने का ट्राई करना, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा मैं अगर बीट बाय बीट बताते रहा। तो सरगम ऐसा ही चलता है स्केल में, जिससे आपका वोकल मेलोडी बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए भी देखते हैं एक गाना सी मेजर पे, जो कि इसी का रिलेटिव मेजर है ए माइनर का, सेम पोजिशन में बजाएंगे, पर उसका जो स्केल का सरगम है वो चेंज होता है। कैसे होता है अभी आगे देखते हैं, जो करेंगे गाना बारिश, वो भी काफ़ी अच्छा गाना है। तो अभी नेक्स्ट गाना देखने से पहले चलिए वो ग्राफ को फिर से देखते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था समझाने से पहले, अभी आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये बना स्केल, जो उसका वोकल मेलोडी है, देन इसका ये जो उसका सरगम बना। तो आप देख रहे होगे ग्राफ जैसे आपका ऊपर जा रहा है, अच्छा चलता हूँ, जो भी है ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया। तो इसी, ये जो वेरिएशन होता है आपको वोकल में करना पड़ता है, ये जो नोट्स रहता है उसको आपको वोकल में उसको लगाना पड़ता है, जो कि मेरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता, बेसुरा हो जाता है। जो आप बेसुरा होते हो, आउट ऑफ की होते हो, ये जो नोट्स जैसे सी हो गया, सा, गा, आप ठीक से लगा नहीं पाते, इसलिए आपको रियाज की ज़रूरत होती है, जो कि आप हारमोनियम के कीबोर्ड में करते हो। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मेरे जिक्र का जो हुआ, ऊपर गया, हल्का सा लोअर ऑक्टेव में, जो मैंने आपको बताया था, इसका जो नी लग रहा है यहाँ पे जी, ठीक है, ऊपर गया, लोअर आया। तो यही सब रहता है आपका वोकल में वेरिएशंस, जो आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। काफ़ी इजी है, समझ में आ गया आपको, मुझे पता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो मेजर स्केल में आपको वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि कभी कभी क्या होता है, इसमें अलग नोट्स लगते हैं, जैसे कि माइनर स्केल होता है 3 टाइप्स का, मेलोडिक, माइनर, नेचुरल एंड हार्मोनिक। जैसे यहाँ पे जी रहा, और जो उसका नी है वो कभी कभी जी शार्प भी लगता है, जो कि उसका हार्मोनिक माइनर होता है। अभी ज़रूरत नहीं है हार्मोनिक मेलोडी का, आप नेचुरल में पहले प्रैक्टिस करो, आपका ईयर ट्रेन करो, धीरे धीरे वो नोट्स, जो हार्मोनिक मेलोडिक नोट्स, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप बस नॉर्मल नेचुरल में करो अभी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे वो है बारिश, जो कि सी मेजर स्केल पे, सी मेजर की पे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि रिलेटिव मेजर मैंने समझाया था स्केल लेसन में, जरूर देखिए उसको, आपका सी मेजर एंड ए माइनर के नोट्स पूरा सेम होता है। तो आपको जो ए माइनर यहाँ पे बन रहा था, आपका सी मेजर भी वहीं से बनेगा, पर स्टार्ट होगा ये सी नोट से, सेप पूरा सेम रहेगा। तो आपको ये नोट्स अरेंज करना है 5 डिफरेंट सेप्स पे, जिसका लेसन मैंने बनाया हुआ है स्केल लेसन में, जरूर देखें, क्योंकि ये पोजीशन पे हो गया, आप सेम नोट्स को दूसरे पोजीशन में ही बजा सकते हो, जो कि काफी हेल्प करता है थोड़ा वेरिएशंस लाने में।
आप जरूर देखें स्केल का लेसन। तो ये नोट आपका सी स्केल स्टार्ट हुआ यहाँ पे सी नोट से, सेम सेफ ही बजा रहे हम लोग जो ए माइनर का था, पर आपका जो अभी सा बन गया वो बन गया सी। जैसे ए माइनर में सा बन रहा था ए, आपका जो चेंज होगा वो बन गया वो होगा कि आपका जो सी मेजर में सा बनेगा वो बनेगा सी। डी ई एफ जी ए बी सी, तो इसका सारे गांव बन गया सारे गांव। ठीक है, बस इतना ही वेरिएशन है, बाकी उसका लॉजिक सेम ही है। उसका जो भी अभी सरगम बनेगा सारे गा रे गा मा जो भी, वो इन्हीं नोट से बनेगा सी डी ई एफ जी, क्योंकि अभी आपका सी बन गया है सा, क्योंकि गाना आपका मेजर की पे है। तो बारिश का जो है उसको भी हम लोग अभी लोअर ऑक्टेव में स्टार्ट, हायर ऑक्टेव में स्टार्ट करेंगे। आपका जो आपका सी बन गया यहाँ पे, तो इसी ऑक्टेव में हम लोग ट्राई करेंगे बारिश का नोट्स निकालने का। तो उसका पहला लाइन क्या है, चेहरे में तेरे, तो उसको आपका पहला नोट निकालना है ना 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 ना, ये जो निकल रहा है जो आपका मेलोडी है उसको ढूंढना है यहाँ पे। तो ढूंढते एक बार तो आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, और बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है आपका, तो आपने देखा सेम नोट से सेम स्केल ही बज रहा है आपका, था क्या बन गया यहाँ पे। तो आपका नोट्स लग रहे हैं यहाँ पे जी ई ई डी डी देन बैक टू ई सी। तो जो सरगम बना वो बना आपका पा गा गा रे रे गा सा। ठीक है, तो अगर आप ये नोट्स को गाओगे उसमें लिरिक्स बिठा दोगे कोई भी वर्ड्स बिठा दोगे आपका गाना बन गया। सिंपल लॉजिक है पर काफी अच्छा लॉजिक है। ठीक है, पहला लाइन हो गया, अभी नेक्स्ट लाइन को चलते हैं, उसी पोजीशन में आपका निकल जाएगा 100% नहीं तो 99%, क्योंकि मेजर मेजर स्केल में आपका कोई हार्मोनिक की मेलोडिक नहीं होता, वो एक ही नेचुरल रहता है, वो काफी ईजी होता है मेजर की में गाना निकालना। तो इसका जो नेक्स्ट लाइन है, खुद को मैं ढूंढू खुद को मैं ढूंढूं। आप सुनिए, गाना सुनिए, मैं गा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वॉइस ट्रेंड नहीं है, जो सिंगर से वो रिलेट कर सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो खुद को मैं ढूंढूं, ठीक है, ये बदल आपका, ये आपका क्या नोट बना, जी एफ ई डी डी एफ डी। ठीक है, तो इसका जो सरगम बना क्या बना आपका, पा मा गा रे रे मा रे। तो आपके दो लाइंस निकल गए उसी पोजीशन में, कहीं पे आपको एक्स्ट्रा ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि ये सी मेजर का गाना है तो नोट्स भी सी मेजर के लगेंगे, जैसे हमने चन्ना मेरेया में निकाला था। तो दोनों लाइंस को एक्स्ट्रा प्ले करने से देखते हैं एक बार। देन उसका नेक्स्ट लाइन देखते हैं, उसके बाद ये लेसन ये भी खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप इसके बाद खुद से ही आप उसको उसी पोजीशन में निकाल सकते हो आराम से, वरना उसका नेक्स्ट पोजीशन जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, जो स्केल लेसन में मैंने बताया हुआ है आप जरूर देखना वो दो तीन लेसन, क्योंकि आपको काफी हेल्प करेगा वो। देन जो उसका आएगा, आंखों के दरमिया अब तू है इस तरह, वो पार्ट देखते एक बार, इसमें से कहीं पे निकलेगा वो, तो यहाँ पे लग रहा है मुझे जो कि डी 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 ई सी। तो ये क्या बन गया आपका, री रे 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 गा सा रे 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 गा सा, इसको तीन बार प्ले करना शायद रे 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 गा सा। ठीक है, तो डी 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 सी ना मिले सा। काफी इजी है, रे 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 गा सा रे 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 गा सा रे 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 गा सा। तो उसमें बस वर्ड्स डाल दो, लिरिक्स डाल दो, आपका गाना बन गया। देन उसका कोरस पार्ट आएगा,
आप खुद निकाल सकते हो आराम से, फिर मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसका जो कोरस पार्ट आएगा आपका आएगा, ये बन गया सी 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 डी ई बी सी 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 डी ई बी सी, डेट इज सा 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 रे गा नी सा 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 रे गा नी सा नी 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 सा रे नी सा नी 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 सा रे नी सा। ऐसा ही चलेगा, पूरा गाना यहीं पे निकाल सकते हो, पर आपको थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, उसको ब्रेक करना है, गाना को ठीक से सुनना है, एंड उसका मेलोडी लाइन जो लेयर है उसको फिल्टर करना है, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका बारिश, आप ऐसा ही कोई भी गाना कोई भी स्केल का मेजर माइनर निकाल के उसका नोट्स निकाल के आराम से फाइंड कर सकते हो। एंड कभी कभी क्या होता है, एक दो ऑफ नोट्स लगते हैं, एक्सीडेंटल नोट्स लगते हैं, जो कि की का बाहर का नोट होता है, उसको आपको सुन के निकालना है। अभी वो जरूरत नहीं, आप इजी गाने ट्राई करो, चन्ना मेरा हो गया, बारिश हो गया, थोड़ा जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, हरकत कम है, क्योंकि जो क्लासिकल जहाँ पे हरकत ज़्यादा होता है वोकल में, उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, जो गिटार पे थोड़ा मुश्किल रहता है बजाना। आप ट्राई करो, सिंपल गाने ट्राई करो, आपके लिए काफ़ी ईजी होगा स्टार्टिंग में गाना निकालने में। तो वही था इसका कंप्लीट लेसन, मैंने ट्राई किया जितना सिंपल हो सके आपको बता सकूँ, क्योंकि ये सब कंसेप्ट शायद आपको कोई समझाए नहीं, यूट्यूब पे भी इतना है नहीं ये सब हिंदी में आपको समझाने के लिए, फिर मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का, क्योंकि ये सब एक की एक एक दिन का की एक महीने का काम नहीं है, आपको ये रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, सालों साल प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका ईयर डेवलप हो। ईयर ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आप आज से ही स्टार्ट करो, देखना 1 साल के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आप भी यूट्यूब पर अपना गाने छोड़ रहे होंगे, अपना लेसन दे रहे होंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बिगनर्स को सीखने के लिए, ठीक है। तो आज और लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे रखते हैं लेसन। आई होप आपने पूरा लेसन देखा, कुछ सीखा आपने इससे, अगर आपने कुछ सीखा जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।